इतनी देर हो गई हमें यहाँ फंसे हुए। हेलो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज हम लोग ने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं साहिल के एक फ्रेंड की सगाई पर और ये युवान आप लोगों के साथ आज युवान भी हमारे साथ जा रहा है, तो हम चलो चलते हैं वहां, दिखाते हैं हम जो भी शूट कर पाएंगे। सो गाइज आज युवान कह रहा है कि मैं मम्मा की गोदी में नहीं बैठूंगा, मैं पापा के साथ ड्राइव करूंगा, है ना युवान? क्या हो गया? तो युवान को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, हम मतलब जितना मर्जी उसको बाहर घुमा ले उसको उतना ही पसंद है। तो आज युवान पापा के साथ ड्राइव करेगा और आप लोग इसकी थोड़ी बहुत शैतानियां देखना, ये क्या करता है, क्या करता है, कहाँ जा रहे हो, देखो कितना ध्यान है इसका कार ड्राइव करने में। गाइस आप लोगों को पता है ये युवान जो है ये घर पे इस टाइम पे सो रहा होता पक्का फॉर श्योर। अभी भी घर पे ये इसकी चैंचे स्टार्ट हो गई थी कि मुझे सोना है, और जैसे ही ये बाहर आता है कार में हम घूमते कहीं पे भी, इसको कोई प्यास भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं आती है। ये देखो कितना मस्त होके बैठा हुआ है। युवान कहाँ जा रहे हो? ये देखो इतना शांत, ये मतलब इससे शरीफ बच्चा कोई नहीं है इस टाइम पे। इसको बाहर घूमना इतना ज्यादा पसंद है। ओ युवान युवान क्या कर रहे हो? अब इसको अब कोई रिएक्शन नहीं देगा, ये बस शांत और अपने घूमना है बस इसको। वैसे तो ये बढ़िया है कि युवान बाहर जाके इतना परेशान नहीं करता है हमें। ऐसे ध्यान से देख रहा है कि मम्मा क्या बोल रही है। तो हम अभी ऑन द वे है, वहां पहुंचते हैं फिर देखते हैं क्या रहेगा युवान का। गाइज एक तो ये दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क कभी खत्म नहीं होता और उसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम, इतनी देर हो गई हमें यहाँ फंसे हुए। देखो आप पता नहीं क्या होगा दिल्ली का। और युवान क्या कर रहा है? युवान 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 अपने में बिजी है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी रॉयल पेपर पीरागढ़ी। चलिए अपने फ्रेंड से मिलते हैं अंदर। सो अब हम जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि हम लेट होते हुए भी काफ़ी कम लोग आए हैं, तो अभी हमारे फ्रेंड्स भी आने बाकी थे। तो ये देखते हुए मैंने सोचा चलो क्यों ना स्नैकिंग थोड़ी स्नैक खाया जाए, क्योंकि भूख तो हमें भी लग रही थी, जाम में भी हमें घंटे से ऊपर लग गया था। तो आकांक्षा ने जिम्मेदारी थमाली स्नैक के लिए, तो अब इतने हम स्नैकिंग करेंगे। और काफ़ी कम लोग थे और आवाज़ वॉइस ओवर देने का मेन रीज़न ये है क्योंकि पीछे डीजे काफ़ी लाउड था, हमारी आवाज़ें कम समझ आती है आपको। ये युवान का देखिए प्यार, मतलब खाने की तरफ तो इस लड़के का प्यार इतना अलग है, अभी दूध पीने के बाद भी इसको मतलब था कि मेरे को भी खिला दो। तो अब देखिए कितने कम लोग आए हुए हैं। तो अब मैं चला गोलगप्पों की तरफ, मगर चलो गोलगप्पे खाएं जाए, तो अपना तो वही तीखा और मीठा दोनों को मिक्स करके खाना है बैलेंस बना के। तो गोलगप्पे ऑल दो काफ़ी टेस्टी थे, तो मैंने अपना ध्यान गोलगप्पों में रखा। और ये अपर लेवल पे भी आप देखेंगे काफ़ी कम लोग आए हुए हैं। तो अब मैं गोलगप्पे खाते हुए, आकांक्षा ने भी खाए गोलगप्पे, तो अब आकांक्षा अगली डिश के साथ दिखेंगे आपको, दही भल्लों के साथ। तो वेन्यू काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू जितने लोग आ रखे थे। ये मेरा फ्रेंड है प्रथम, इसकी ही शादी है, तो बेसिक आज सगाई लगन है, तो बारात जाएगी 14 फरवरी को, काफ़ी अच्छा दिन चुना है। अब आप लोग मेरी थाली और आकांक्षा की थाली पे बताइएगा कि आपको हमारी थाली में खाने पीने में क्या डिफरेंस लगा, कि हमारा टेस्ट कैसा है एक दूसरे से अलग होते हुए थोड़ा बहुत।
वापस निकल चुके हैं घर की तरफ, और हमने बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया है, कहीं गए थे तो इसलिए सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वही प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए बस इतना ही, सो बाय बाय।